तो अपना YouTube चैनल से भाई ने सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए इनकम किया। वाइफ का मतलब कुछ झगड़ा हुआ था क्या आपके बीच में? नहीं नहीं, उसको किसी से प्यार हो गया। आप खुद से करते हो? हाँ, ये हाथ से करते हो? ये हाथ से करते हो ना? बहुत दिन हो चुका है मैंने अपनी फैमिली को कहीं नहीं घुमाया, और मुझे भी हमेशा आप लोग कहते रहते हो कि सोनू भाई आप तो अकेले अकेले घूमने जाते हो, उससे अच्छा आप अपनी फैमिली को भी घुमाओ ना। तो इसीलिए आज मैं अपनी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे अच्छे जगह घुमाने वाला हूँ। लेकिन जब इनको घुमा के इन भाई से मिला तो मुझे इनका स्टोरी सुन के रोना आ गया। सच में यार, इनके हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से ये हाल हुआ, वरना इससे पहले ये बिल्कुल हमारी तरह ही थे। लेकिन जैसे इनका ये हाल हुआ, उसके बाद इनकी वाइफ भी इनको छोड़कर चली गई। मैं इनसे कैसे मिला, मैंने अपनी फैमिली को कहाँ कहाँ घुमाया, सारा इस ब्लॉग पे है। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरी छोटी बहन और मेरी कांची को गाड़ी पे बिठाया, तो इनके बैठने के बाद मैंने इस सीट को सीधा किया, क्योंकि अंदर मेरी मम्मी को घुटन होती है तो ये हमेशा आगे ही बैठती है। और थार का ना सबसे घटिया प्रॉब्लम ये सीट वाला ही है, इसीलिए काफी सारे लोग थार लेने से मना करते है। तो कोई कोई थार को बेकार गाड़ी या फिर अनकम्फर्टेबल कहता है। खैर जैसा भी, ये अपना ही है और मेरे लिए तो इससे सुंदर कुछ नहीं है। आप सभी लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं, तो आप चलते हैं घूमने के लिए। मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आज मैं घुमाने लेके जा रहा हूँ। एंड सब लोग रेडी हो? कैसा लग रहा है आज? अच्छा। आज सभी लोगों को लेकर जा रहा हूँ भाई। आज मम्मी भी ऐड हो चुकी है, उस दिन मम्मी नहीं गई थी और आज भी मम्मी को उतना जाने का मन नहीं था, बट मैंने कहा कि आज तो जाना ही पड़ेगा। और ये भी देखो क्या क्या खा के इसने, देखो ना ये मुँह क्या कर दिया तूने। चलो चलो, मतलब जब भी मेरे साथ आता है ना काफी ज्यादा खुश होता है, और मम्मी लोगों के साथ आता है तो पूरा मतलब रोने लगता है, क्योंकि इससे पता है कि मैं ही गाड़ी चलाता हूँ तो मैं ही गाड़ी पे इसे लेके जाऊँ। फिर देखो ना, थोड़ी देर पहले ये मम्मी के साथ जाना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैं इसे छोड़कर अकेला ही जाने वाला हूँ। पर जैसे सभी को मैंने गाड़ी पे बिठाया तो ये समझ गया कि मुझे भी लेके जा रहे हैं। तो अब ये चुपचाप बैठा है और बीच बीच में मुस्कुरा भी रहा है। मतलब आजकल ये इतना शरारती हो चुका है कि मैं जो भी चीज पकड़ता हूँ ये उसे छीन लेता है। ये देखो फोन भी छीनना चाह रहा है। खैर जाते आते हमारे संजय भाई आ गए, तो मैंने इनको कहा कि बाबू का बेबी विप्स लेके आओ, तो ये लेके आ गए, क्योंकि अगर बाबू ने रस्ते पे पोटी वोटी कर दिया तो ये बहुत काम आएगा। इसलिए हम जब भी कहीं जाते हैं तो एक दो पैकेट लेके ही जाते हैं। तो आप चलो अपने इस खूबसूरत सफर को जारी रखते। मंजिल पे पहुंच चुके हैं, पर मेरा गोलगप्पा यहाँ आते आते ही गाड़ी पे सो गया। मैंने सोचा था कि इसे काफी अच्छी तरीके से घुमाऊंगा, साथ ही काफी सारी चीजों पे खिलाऊंगा, लेकिन ये तो सो ही गया यार। ये देखो हम लोग इस वाली लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक के काफी सारे खेल कूद करने वाले चीजें भी है। पर इनको देखो, अनमोल को जगा के किड जोन पे पिंग खेल रहे हैं। देन पिंग खेल के मेरी कांची कहने लगी कि कंचा मैं धनुष चलाऊंगी, क्योंकि इसे ये चीज चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं बना बाहुबली और मेरी कांची बनी देवसेना। फिर जास्ते से मैंने इसे धनुष पकड़ा के मारने को कहा, तो देखो क्या हो गया। सच में यार बहुत हंसी आया, और कहीं दूसरे लोग ना देख ले इसीलिए शर्म के मारे अनमोल को पकड़ के दूसरे जगह पे चले। अब यहाँ का नजारा देख के मेरा अनमोल बेटा बहुत खुश है, और इसे घुमाते घुमाते मुझे जिपलाइन दिखा, तो मैं चला जिपलाइन पे झूलने। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ का नजारा उतना डरावना नहीं है, वरना काफी सारे जिपलाइन ऐसे होते है जो बहुत ही डरावने दिखते। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी और कांची मना कर रहे थे कि ये काफी खतरनाक है, मत कर मत कर, बट मुझे तो जैसे भी करके करना ही है, क्योंकि ये सब मैंने सिर्फ वीडियोस में ही देखा था, तो आज तो मुझे जैसे भी करके इसे करना ही था। अब चलो, इन भैया ने मुझे हेलमेट के साथ साथ बेल्ट वगैरह सब कुछ पहना दिया है, क्योंकि एक सेफ्टी है, अगर मैं गलती से भी गिर गया तो मुझे उतना चोट ना आए, बट अगर गिर भी गया तो उतना चोट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे तालाब है। बस जैसे भी करके बच जाऊंगा। तो आप चलो जंप करते। ओके ओके सच में यार बहुत मजा आया। पहले तो सोचा था कि कुछ नहीं होगा, पर जब झूलने की बारी आई तो मेरा मन एकदम से च्यू कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वैसे वैसे मजा भी आते गया। यूं मान लो मुझे तो काफी अच्छा लगा। इतना करके ये लोग कहने लगे कि हम लोग बोटिंग करेंगे, पर यहाँ टोटल 2 या 3 बोर्ड था और वो भी फुल हो चुका था। तो हमने सोचा कि चलो जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक इधर उधर घूम लेते हैं, और घूमते घूमते हम आ गए चेस वाली जगह पे। लेकिन अब हम दोनों को खेलते हुए देख ये मत सोचना कि इनको तो खेलना आता है। लिटरली यार मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बस
ऐसे हम वीडियो बनाने के लिए खेल रहे हैं, फिर इतना खेलने के बाद मेरी कांची पिंक पे झूलने लगी तो छोटी बहन ने ये लो भाभी बाबू तंग कर रहा है इसे पकड़ो कह के इसे ही थमा दिया। ये दोनों ही माँ बेटे पिंक पे झूलने लगे तो उतने में ही मेरी मम्मी भी आ गई और यहाँ पे सास बहू पोता सभी लोग मौज मस्ती करने लगे। देन थोड़ी देर बाद हम दोनों आए गेमिंग जोन पे और यहाँ पे हमने ये पोल खेला। ये खेल भी मुझे उतना अच्छी तरीके से नहीं आता है, बस आप लोग मान सकते हो मुझे बस थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आता है, बस ऐसे इस डंडे से बॉल को मार पाता हूँ जो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। बस हमने ऐसे ही मजे के लिए खेला था और हमें काफी मजा भी आया। मतलब तुम्हारा भाई ये खेलकूद से बात पीछे है, क्योंकि जब खेलकूद करने का समय था तब स्कूल छोड़ के पैसों के पीछे भागने लगा तो लड़की पटाने की उम्र में शादी करके एक बच्चे का बाप बन गया। बस जिंदगी में अब सिर्फ मौज ही मौज चल रही है। ये वॉलीबॉल वगैरह खेल के मेरी कांची स्टार पे चढ़ने लगी और मैं इसे देख के पहले सोचता था कि शायद ये आर्मी वालों के लिए बनाया होगा जो इसमें ट्रेनिंग करते होंगे, बट अभी जाके समझ में आ रहा है कि ये तो सबके लिए बनाया गया है। यहाँ से उतरने के बाद हम इस खूबसूरत नदी किनारे आए जिसका व्यू देखो कितना बढ़िया है और इसी के पास होता है हॉर्स राइडिंग, तो हम उसी को करने जा रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ पे हम लोग हंस हंस के पागल हो गए, क्योंकि पहले तो मेरी कांची काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में ये खुशी खुशी इसमें बैठ गई, पर जहाँ से हॉर्स चलने लगा तो ये इतना ज्यादा डर गई कि ये रोने वाली थी। डरो मत हां, आराम से लौट देने जाओ, लौट देने। कांची इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो क्या हो रहा है। अभी आप लोगों ने मेरी कांची का रिएक्शन देखा कि भाई वो तो रोने ही वाली थी, बट अब मैं इसको चढ़ के दिखाने वाला हूँ कि इसमें कैसे चढ़ा जाता है। तो चलो फाइनली मैं बैठ चुका हूँ, सिंपल है, सिंपल है। चलो पहले भी मैं इसमें चढ़ा था तो काफी मजा आया था। चलो काफी मजा आ रहा है, इसको दौड़ाने को मिलता ना तो काफी और मजा आता। दौड़ाने नहीं देते क्या अंकल आप? हाँ मैं अकेला दौड़ाता हूँ ना, छोड़ दीजिए फिर। मेरे को अगर अकेला दौड़ाने का मिल जाता ना, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, ओए 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 ओए। चलो 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 चलो, मजा आया। और जब तक हम लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तब तक मेरी मम्मी अनमोल को ये डक वगैरह दिखा के फुसला रही थी जो कि बहुत ही बड़े बड़े डक है, तो इनको देख के ये भी काफी खुश हुआ। देन फिर हम दोनों इस छोटे से माउंटेन में बैठ के यहाँ का नजारा देखने लगे। फिर इतना देखते देखते सभी लोगों को भूख लगने लगा तो हम सभी लोग रेस्टोरेंट पे आके जूस पीने लगे। देन फिर खाना खाने का भी टाइम हुआ तो यहाँ पे किसी ने चाउमीन खाया तो किसी ने चिकन और राइस, तो हम तीनों ने खाया, क्योंकि जब तक हम खाना खा रहे थे तब तक मेरी कांची बाबू को फुसला रही थी, वरना अगर इतना नहीं किया तो वो हमें चैन से खाने नहीं देगा। और थोड़ी देर बाद मेरी कांची भी आ गई और ये भी चाव खाने लगी, तो आज हम सभी लोगों ने काफी सारा मस्ती किया। लेकिन दूसरे दिन मुझे इस भाई का मेल आता है कि सोनू भाई मेरा एक गेमिंग चैनल था जिसमें मैं अपना जीप से गेम खेल के वीडियोस वगैरह अपलोड किया करता था और इतना मेहनत करके मैंने उस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर किया था, बट आज से करीब 1.5 साल पहले वो चैनल मेरा हैक हो गया, ऊपर से मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने इनको पूछा कि भाई आपका ये हाल कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया कि ये बेंगलोर पे काम करने गए थे और वहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से इनका ये हालत हो गया, आज ना इनका पैर तो ना हाथ है, ऊपर से इनके सर पे भी चोट लगी है तो एक कान भी ढक चुका है। लेकिन फिर भी इनका लाइफ सही चल रहा था, ये अपने यूट्यूब चैनल से अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे, बट अचानक इनका चैनल भी हैक हो गया और जो ड्राइवर इनको हॉस्पिटल लेके जाया करता था ना, वही ड्राइवर इनकी वाइफ को भगा के लेके गया। आज इनकी एक छोटी बेटी है और ये रहते हैं अपनी मम्मी के पास, बट अब इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इनका नया यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दो जिसका नाम है एडियन गेमिंग YT, जिससे इनको कोई अर्निंग सोर्स मिल जाए और ये अपनी जरूरतों को पूरी। मैंने इनका YouTube चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, सो प्लीज आप लोग जाओ और इनको सब्सक्राइब कर दो। बाकी इनके खुद के मुंह से अगर आप लोग इनका लाइव स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं पूरा स्टोरी कल परसों लेके आऊंगा। अभी के लिए आप लोग इनका नया चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।